आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू सेल थ्योरी सेल थ्योरी के बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है नीचे चार ऑप्शंस में से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कम्पोस्ट ऑफ सेल्स एंड आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स तो जो सेल थ्योरी का फर्स्ट स्टेटमेंट है जो सेल्यूनो ने दी थी उसका फर्स्ट स्टेटमेंट इसी को रिजेंबल कर था आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी एंड बिकॉज दे आर सेल्यूलर पार्टिकल्स सॉरी तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दे विल बी ए सेल्यूलर पार्टिकल्स देखिए वायरस इसके एक्सेप्शन का सेल थ्योरी में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसी का एक सब टाइप है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि कहता है कि एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ टोटल एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ दिट्यूएंट ऑफ सेल एक ऑर्गेनिज्म की ठीक है ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज सम टोटल होंगी क्या होंगी सम टोटल होंगी उसके इंटरक्शन किनका कॉन्सीटेंट सेल्स का मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे चार सेल हैं या पांच सेल हैं, इनका जो कंबाइंड इंटरक्शन है वो इस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज डिफाइन करेगा तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे और रूडोल्फ वर्च्यो गेव शेप टू द थ्योरी तो जी सही स्टेटमेंट है तीन साइंटिस्ट थे शेल्डन स्वान और रुडोल्फ रुडोल्फ ने फाइनल शेप दिया था तो ऑप्शन हमारा जो गलत है वो सिर्फ है ऑप्शन सेकेंड इसलिए जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा ऑप्शन वन ऑल एक्सेप्ट सेकेंड ये हमारा करेक्ट आंसर बनने वाला है क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करे डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर